दोस्तों स्वागत है आप सभी का वायरल ऑमलेट के एक नए वीडियो में। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे, धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2007 में रिलीज़ हुआ आई एम लेजेंड मूवी का अब बनने जा रहा है सीक्वल, मतलब आई एम लेजेंड 2 ऑफिशियली डेवलपमेंट हो रहा है। विल स्मिथ फिर से वापस आ रहे हैं उनके आइकॉनिक कैरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट नेविल के साथ, लेकिन इस बार विल स्मिथ के साथ माइकल बी जॉर्डन को भी हम देखने वाले हैं आई एम लेजेंड 2 में। रिचर्ड मैथेसन का ओरिजिनल नोवेल आई एम लेजेंड का ही एडॉप्टेशन है ये मूवी, लेकिन आई एम लेजेंड 2 का जो एंडिंग होगा वो ओरिजिनल नोवेल से डिफरेंट होगा, मूवी के प्रोड्यूसर एंड राइटर एकिवा गोल्ड्समैन ने कन्फर्म कर दिया है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही डीसी यूनिवर्स का द फ्लैश मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, व्हाट ए माइंड ब्लोइंग ट्रेलर इट वाज। लेकिन अभी फैंस बोल रहे हैं कि द फ्लैश मूवी को बॉयकॉट कर देंगे। फिल्म के जो मेन लीड है फ्लैश, जिसको प्ले किया था इज़रा मिलर ने, उनके ऊपर एक बर्गलरी का एलिगेशन लगाया गया था कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट में, तो उसी वजह से ही फैंस इज़रा मिलर का द फ्लैश मूवी को बॉयकॉट करने के लिए डीसी को थ्रेट कर रहे हैं। तो देखते हैं द फ्लैश मूवी बॉयकॉट होता है या नहीं। दोस्तों मार्वल का जो एवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी आने वाला है, सुनने को आ रहा है कि उसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कैरेक्टर लीड रोल में देखने वाले हैं। फिलहाल तो ये रूमर, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एमसीयू में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी जहाँ पे खत्म हुआ था वो काफ़ी क्यूरियस था कि नेक्स्ट क्या होगा स्पाइडरमैन का, और एंडमैन एंड द वॉसअप क्वांटमेनिया के साथ मल्टीवर्स सागा का बिगिनिंग भी हो गया है विद अ डेंजरस विलेन कैंग। टॉम हॉलैंड अगर लीड करता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ऐसे अमेजिंग अपडेट हर रोज़ देखने के लिए।